नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको लकवे के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। लकवा क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस वजह से ये लोगों को हो जाता है और क्या इसका उपचार है, और अंत में इससे कैसे हम लकवे से बच सकते हैं। लकवा, जिसको इंग्लिश में स्ट्रोक भी कहते हैं या पैरालिसिस भी कहते हैं, उसमें शरीर का आधा अंग बेकार होना, मुंह में टेढ़ापन होना, जबान लड़खड़ाना, आँखों की रोशनी चले जाना, इस तरह के कई सारे लक्षण होते हैं। इसको हम साधारण भाषा में लकवा या पैरालिसिस कहते हैं। साइंस की भाषा में इसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये दिमाग में नस रुकना या नस फटने की वजह से हो सकता है। नस रुकने का वजह होता है कि दिमाग में खून गाढ़ा होकर जम जाता है, और नस फटने की वजह होती है अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने से नस फट जाती है। तो लकवा मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है, नस रुकने की वजह से और नस फटने की वजह से। दोनों में लक्षण एक ही तरह के हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए, जिसमें आधा अंग बेकार होना, जबान लड़खड़ाना, ये दोनों प्रकार के लक्षण इन दोनों तरह के लकवों में हो सकते हैं। आमतौर पर जैसे ही लकवा होता है, आदमी को ना कोई दर्द होता है, ना उसको कोई इस चीज़ का एहसास होता है कि उसको लकवा हो गया है। कई बार तो उसकी जबान चली जाने से वो दूसरों को बता भी नहीं पाता है। इस वजह से लकवे को पहचानने में देरी होती है, ना उसके मरीज के घर वाले समझ पाते हैं कि इसको लकवा हो गया है। दूसरी तरफ जैसे ही हार्ट अटैक होता है, तो छाती में दर्द होने की वजह से आदमी तुरंत सचेत हो जाता है कि मुझे दर्द हो रहा है छाती में, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। इस वजह से लकवा हार्ट अटैक जितना ही कॉमन होने के बावजूद भी लोग इसको जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं। इसमें अचानक से रोशनी चले जाने से या आधा अंग बेकार हो जाने से, किसी भी व्यक्ति को अगर ये लक्षण होते हैं, तो हमें तुरंत इस बारे में मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और तुरंत उसके उपचार की कोशिश करनी चाहिए। इसमें अगर जल्दी मरीज़ को हम हॉस्पिटल ले आते हैं, तो जो लकवे से जो कमी आई है, उससे बचा जा सकता है। इसके लिए एक दवाई होती है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज बोलते हैं। उसके कई तरह के नाम हैं, कई तरह के नामों से वो आती है। अगर उसको तुरंत लगाया जाए, तो जो लकवा हुआ है वो तुरंत जल्दी से ठीक हो सकता है। दूसरी तरह का इसमें सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन से हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह का लकवा हुआ है। लकवा होने के बाद में अगर नस रुकी है, तो ये इंजेक्शन लगाने से वो तुरंत ठीक हो सकता है, या उतना ख़राब नहीं होता जितना कि बिना इंजेक्शन के वो हो सकता था। अगर नस नहीं रुकी है, नस फटी है, तो उस केस में ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करके भी मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। तो लकवे के केस में अगर उसको लक्षणों को पहचान के तुरंत हम इंजेक्शन लगाएं, तो या फिर ऑपरेशन करें, तो लकवे से हम बच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में लकवे की वजह बीपी का ध्यान नहीं रखना, शुगर का ध्यान नहीं रखना, या फिर धूम्रपान करना होता है। कुछ केस में ये पारिवारिक भी हो सकता है, जिसको जेनेटिक कारण हम कह सकते हैं। आमतौर पर ये तीन ही मोटी वजह होती हैं। कुछ लोग जो 45 साल से कम की उम्र में जिनको लकवा हो जाता है, उनको हार्ट में वाल्व की खराबी से भी लकवा हो सकता है, पर वो आजकल कम केस में देखने में आता है। ज़्यादातर केस जो लकवे के होते हैं, वो इन्हीं तीन वजह जो मैंने पहले बताई हैं, बीपी, शुगर और धूम्रपान की वजह से ही होता है। तो अगर हमें लकवे से बचना है, तो किसी भी व्यक्ति का अगर शुगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसकी नियमित जाँच करानी चाहिए। जाँच कराने के साथ ही अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो बराबर उनके विशेषज्ञ से मिलके उनकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इस बारे में सचेत रहना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। नमक कम खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है। एक्सरसाइज करना, घूमना, रात में 7 घंटे की कम से कम नींद लेना, और दिमागी रूप से रिलैक्स रहने की वजह से ये सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, जो लकवा पैदा कर सकती हैं। एक बार अगर किसी को लकवा हो गया है, तो उसको आगे ना हो, उसके लिए आमतौर पर खून पतला होने की दवाइयाँ चलती हैं या बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जिनको नियमित रूप से लेना चाहिए। अगर उनको नियमित रूप से लेते रहेंगे, तो नया लकवा होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है।
ज़्यादातर लोग लकवा होने के बाद कुछ टाइम तक दवाइयाँ लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए, अब दोबारा ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डॉक्टर के पास सलाह के लिए भी नहीं जाते हैं कुछ वक्त के बाद। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है। ऐसा करने से, दवाइयों को बंद करने से वापस लकवा होने की काफ़ी संभावना रहती है, और ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी हैं उनको दोबारा से लकवा हो जाता है। तो इसलिए इस मामले में बहुत ही सावधानी रखना ज़रूरी है, नियमित रूप से दवाइयाँ लेते रहें। दवाई ख़त्म हो जाती है तो और डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तो एक दो दिन खुद भी वो दवा चालू रख सकते हैं बजाय उसको बंद करने के। ये भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, जो दूर से आते हैं वो दवा बंद हो जाती है तो वो आ नहीं पाते और उसको बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-4 दिन की दवा जो आप चल रही है वो ले सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि दवाइयाँ नियमित रूप से लेके, खान पान का ध्यान रख के, नियमित व्यायाम करके, धूम्रपान ना करें, अपना कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसका ध्यान रखें, तो हम लकवे से बच सकते हैं। और अगर किसी को एक बार लकवा हो गया तो दोबारा ना हो, उसको भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लकवा होते ही उसको पहचान के तुरंत हॉस्पिटल आना, और उसको तुरंत अगर ठीक कर सकते हैं इंजेक्शन या ऑपरेशन के माध्यम से, तो उसकी कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए। नमस्ते। नमस्कार।